क्या हो रहा है ये चाइना में? खबरें ऐसी आ रही हैं, आपने पहले भी हमारे ही चैनल पे बोला था कि ऐसा हो सकता है, या तो इसको मार दिया जाए या तख्ता पलट हो जाए। अब की बार क्या हुआ? अमेरिका के तीन मिशन, पहला शी कमजोर होता 25% काम हो गया, शी को हटाते 50% काम हो गया, चाइना का भी 50% काम हो गया, अमेरिका का भी। और अगर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, और ये भी बताया जा रहा है कि सीसीपी के सीनियर्स ने उनको रिमूव कर दिया है एज अ हेड ऑफ पीएलए। वहां पे जाने के बाद पीछे बीजिंग में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ बड़े लीडर्स की मीटिंग हुई जिसमें शायद कुछ डिसीजन लिया गया। तकरीबन 60% फ्लाइट्स जो के चाइना से चलती हैं किसी भी कंट्री के लिए, उनको कैंसिल कर दिया गया है। आनंद फानंद में वापस बीजिंग पहुंचे, और खबरें यह है कि इनको एयरपोर्ट पे ही धर लिया गया, एयरपोर्ट पे सीधे इनको हाउस। दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के कुछ एंकर्स बात कर रहे हैं, और ये सोशल मीडिया में भी काफ़ी खबर ट्विटर पे है या बहुत सारी जगह है। इवन सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लेकर ट्वीट कर दिया है, और बहुत सारे लीडर वेरीफाइड अकाउंट इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और नज़रबंद कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि वो मतलब अब जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने उन्हें सेना के पद से भी हटा दिया गया था। अगर ये खबर सच होती है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी खबर है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बोला था कि ऐसा हो सकता है, या तो इसको मार दिया जाए या तख्ता पलट हो जाए। अब की बार क्या हुआ? अमेरिका के तीन मिशन, पहला शी कमजोर होता 25% काम हो गया, शी को हटाते 50% काम हो गया, चाइना का भी 50% काम हो गया, अमेरिका का भी। और अगर चाइना लड़ता तो अमेरिका का 80% काम होता है, चाइना खत्म, और अमेरिकन्स विल बी हैप्पी विद दैट। और अब आप देखिए कल परसों जो हमने शो किया था उसमें तो ताइवान ने भी धमकी दे ली, अब ताइवान चाइना को धमकी दे रहा, पहले अमेरिका प्रोवोक करा, अब ताइवान चाइना को धमकी दे रहा, देखो भैया लड़ना मत। अब कैनेडिया वाले, ये जो कनाडा वाले छोटी मोटी नहीं, भी इनकी ये भी अपने समुद्री जहाज स्ट्रेट ऑफ ताइवान से निकाल रहे हैं। यूएस हर महीने स्ट्रेट ऑफ ताइवान से जहाज निकाल रहा है, जर्मनी निकाल रहा है, साउथ चाइना सी तो ऐसे जहाजों की मंडी बन गई इंटरनेशनल जहाजों की, सबके एयरक्राफ्ट कैरियर वहां, सबके वहां जहाज घूम रहे। बार 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 चाइना को प्रिक किया जा रहा है, जी जिनपिंग को प्रिक किया जा रहा। आइडिया क्या था? या तो तुम वीक दिखो, या तो तुम्हें हटाया जाओ, या तुम लड़ो और वैसे खत्म हो जाओ। अब चाइना के इंटरेस्ट ऑफ चाइना, उनके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि इस आदमी को हटा दिया जाए। 50% अमेरिका का काम होता, 50% चाइना की भी नाक बचती। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है रोहित भाई, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, रशिया और चाइना में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप आज रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकालते हो, अगर आप रशिया पे बहिष्कार करते हो, रशिया के पास $600 बिलियन थे लड़ाई शुरू होने से पहले। रशिया की इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है, रशिया का 1% डिपेंडेंस वर्ल्ड ट्रेड पे नहीं है, चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हार्डली कुछ बचा है एज पर सम एक्सपर्ट्स। कल हमने बात की, कुछ नंबर्स दिए थे। दो डिटेल्स मैं आपको देना चाहूंगा। एक चीज और थी जो कि मैं बताना भूल गया, वो ये था कि एक चाइनीज डिफेंस की यानी कि चाइनीज आर्मी की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी 21 तारीख को, जिसमें शी जिनपिंग को होना चाहिए था लेकिन वो थे नहीं। अगर वो क्वारंटाइन में रखे जाते, अगर क्वारंटाइन में, तो वो ऑनलाइन कर सकते थे, वाया टीवी एड्रेस कर सकते थे, वो नहीं थे। उनके डेप्यूटी थे जो के वाइस चेयरमैन सीसीपी हैं मिलिट्री कमीशन के, वो थे वहां पे। सीसीटीवी यानी कि चाइना की ऑफिशियल टीवी ने भी इसका वीडियो दिखाया था, इसमें भी शी जिनपिंग मिसिंग थे और एक आदमी शामिल था जिसको 2 हफ्ते पहले शी जिनपिंग ने सैक कर दिया था आर्मी से, वो आदमी बैठा था। अगर चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, तो उन्होंने जिसको सैक कर दिया वो कैसे बैठा था? इस पर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या तख्ता पलट के आसार दिख रहे हैं? ये सारी खबरें हैं अभी तक कोई, क्योंकि चाइना एक ऐसा कंट्री है जहां पे मीडिया बहुत सेंसर्ड है, खबरें आती नहीं, जो निकालने की कोशिश करेगा गोली मार दी जाएगी। ये खबर फिर भी परकुलेट करेगी और हर जगह सुगबुगाहट है, हर जगह सुगबुगाहट है। हमने नहीं देखा है शी जिनपिंग को किसी भी फंक्शन में 16 तारीख के बाद से, 16 को लौटे हैं वो, 16 से 8 तारीख हो गई है 24, आपको आपने शी जिनपिंग को नहीं देखा है। शी जिनपिंग दिखते हैं अपने मीडिया पे, देखते हैं उनका मीडिया भी चुप है, लेकिन वहां के जो लोग अंदर की खबरें निकालते हैं वो बता रहे हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। देखिए तो रोहित भाई, ये हम बात कर रहे थे, अगर आप चाइना को वर्ल्ड के ट्रेड से निकालते, अगर इमेजिन कीजिए, एक चीज बता दो, आपने स्विफ्ट से रशिया को निकाल दिया, रशिया तब भी खड़ा, चाइना को स्विफ्ट से निकाल दो, 3 महीने में चाइना खत्म हो जाएगा।
within 3 months, China's economy will be reduced to ashes. Mark my words, sir, will be reduced to ashes. ये एक बहुत बड़ा फर्क है चाइना के वर्चस्व पे, चाइना की एग्जिस्टेंस पे खतरा बन गया शी जिनपिंग. मैं आपको चाइना के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, चाइना की एग्जिस्टेंस का खतरा शी जिनपिंग. चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड, चाइना इज द हब ऑफ इनोवेशन, चाइना में ये है, चाइना में वो सब बंद है. 80 करोड़ लोगों को आपने बंद कर रखा कोविड के चक्कर में, आपकी फैक्ट्री प्रोडक्शन कम है, आपके एक्सपोर्ट बंद है, आपकी शिपिंग लाइनें बंद है, आपके यहाँ पावर नहीं, आपके यहाँ ड्रॉट है, आप जबरदस्ती इंडस्ट्री आप बंद कर रहे हो, आपका फॉरन शेयर रिजर्व का पता नहीं, एवरी थिंग इन चाइना इज ब्लीडिंग. यू आर द हाइएस्ट लिवरेज कंट्री एंड कट सी वन मैन शी जिनपिंग. This is the man who has brought China to this debacle. मैंने आपको last time भी बोला था Mao और जो Deng Xiaoping क्या था Deng, Mao और Deng में बहुत फर्क था, दोनों कम्युनिस्ट. वैसे इसके पहले वाले प्रीमियम में और Xi में बहुत फर्क है. अगर आप देखिए अब ये सारा घटना का, this is the background of the things which gives you the logic why this kind of a thing is possible, because Xi has become a threat to China itself. He is the Frankenstein of China. He is the biggest threat to Chinese existence in the world space. देखिए चाइना लड़ नहीं सकता, ये हमने देख लिया, इसमें बहुत डिबेट कर चुके, डिस्कशन कर चुके. अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखिए. पहली बात, 2 साल से शी जिनपिंग चाइना से बाहर नहीं गया. रोहित भाई लास्ट टाइम हमने शो किया, मोदी जी के डर के कारण शी को SCO जाना पड़ा, नहीं तो वहां भी नहीं जाता. और आप, मैंने ये भी बोला था, इंडिया हैज डोमिनेटेड द SCO फोरम. इसका ही आर्टिकल एक टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 दिन बाद आया था, विच एग्जैक्टली रिएट्रेटेड व्हाट आई हैड सेड अर्लियर 2 or 3 days बैक इन योर शो and in our national TV and other channels, India will dominate SCO. वही हुआ, इंडिया के डर से, मोदी जी के डर से शी को वहां जाना पड़ा और आते ही ये गिरफ्तार हो जाते. आपने ये बात करी, अब आपके एक शो पर मैंने बोला था शी एक ऐसा आदमी है, ये है चाइना का प्रेसिडेंट, ये CCP का जनरल सेक्रेटरी, ये है चाइना का लेजिस्लेटिव हेड और ये है PLA का हेड. अगर आप इन चारों चीजों को देखें, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी अगर डंडी निकाल जाए इसकी सल्तनत गिरती है? और ये चार बंबू, कौन सा ऐसा बंबू खींचा जाए इसको? अगर आप CCP से हटाते हो, PLA इसके पास है, लेजिस्लेशन से हटाते हो कोई बात नहीं, जनरल सेक्रेटरी तब भी, जनरल सेक्रेटरी से हटाते हो तब भी PLA इसके पास है. अगर PLA का खंभा निकाला जाए चार में से, चौथा पिलर PLA वाला, तो ये आदमी बिल्कुल गिर जाता है. दिस मैन लिटरली फॉल्स. और वही हो रहा, आप अगर मीडिया की खबरें देखें, 80 किलोमीटर लंबा कारवां जा रहा है बीजेपी की तरफ, 80 किलोमीटर लंबा. आप सोचिए उसमें कितनी गाड़ियां होंगी, 80 किलोमीटर लंबा का मतलब कुछ हजार गाड़ियां हैं. ये हजारों गाड़ियां बीजिंग की तरफ क्यों जा रही है? अब ये रिपोर्ट आई है 60% फ्लाइटें कैंसिल हुई, क्यों हुई है? मैंने भी कुछ दोस्तों से US में, हांगकॉन्ग में, इधर उधर पता किया, मैंने भी कुछ सोर्सेज से पता किया, और रोहित भाई आपकी बिल्कुल आई विल एग्री विद यू, मेरे भी सोर्स ये कह रहे हैं कि देयर इज समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग, एवरीथिंग इज नॉट ओके. वी कैनॉट कन्फर्म हुआ है नहीं हुआ, बट कुछ ऐसा जरूर वहां हुआ है जो वहां नहीं होता, कुछ ऐसी चीजें वहां हो रही जो नहीं हो रही है. बट हाँ, अब 2 ही चीजें निकलेंगी, या तो ये निकलेगा कि भाई जिन्होंने, जिसने कू किया या तो वो निपट जाएगा, या जिसका कू हो गया वो निपट जाएगा. एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, मैं आपको यहाँ एक बात बताऊँ, आपके पाकिस्तान मीडिया पर, कई मीडिया, इंडिया अपने नेशनल मीडिया पर मैं कह चुका हूँ, जी को एक डिजीज बताई गई थी, सेरेब्रलर हेमिस्फीयर. उसमें क्या होता है, शायद डिजीज का नाम आई माइट नॉट रिमेम्बर करेक्टली, उसमें ये है कि जो दिमाग की नसें वो पतली हो जाती है और आदमी कभी भी निपट लेते. तो मैंने कहा था भाई, पुतिन हैज सम डिजीज विच नोबडी नोस, सम इंडियन लीडर्स हैव सम डिजीज नोबडी नोस. जो बड़े लीडर की डिजीज होती, वो भी नेशनल सीक्रेट होता है, वो भी नेशनल ट्रेजर होता है. आप अगर उसको बता रहे हो तो आप क्या तैयारी करो कि एक दिन बोलेंगे इस प्रेशर बढ़ गया, सर की नसर रात रात में फट गई, निपट गया? वॉज दिस द आइडिया? जब चाइना में से कोविड के नंबर नहीं आ रहे, डेथ के नंबर नहीं आ रहे, जितने लोग गलवान में मरे उसका नंबर नहीं आ रहा, और आपको चाइना का मीडिया बता रहा शी जिनपिंग को ये बीमारी है, क्यों? ये क्यों बताया गया? ये इंटरनेशनल मीडिया को क्यों बताया गया? ये कवायद पहले से हो रही है आपके शो पर, पाकिस्तान मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर. मैं बोल रहा हूँ कि वहां पर ये चीज कभी भी हो सकती, दिस इज पॉसिबल. तभी मामा जी शी जिनपिंग, मामा जी चाइना छोड़ के नहीं जा रहे थे, तभी मामा जी को डर लग रहा था. जब 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 मोदी जी आ गए तो बेचारे का इतना डर लगा, इतना हिल गया, कह रहा आगे जाऊं तो मरो, पीछे जाऊं तो मरो, क्योंकि दुनिया को पता था, CCP को पता था, ये डर के मारे बाहर नहीं जा रहा, और वहां दुनिया में इसकी खिल्ली उड़ जाए, इसने वहां गया. अगर ये वहां स्ट्रांग नहीं होगा तो इसे थर्ड. तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म. आपको पहली बात तो बता दूं कि चीन से जो भी खबर आती है हम उस पर यकीन नहीं कर सकते हैं. चीन में गूगल नहीं है, चीन में फेसबुक नहीं है, चीन में ट्विटर नहीं है, चीन में इंस्टाग्राम नहीं है, आप समझ जाएं, चीन में यूट्यूब नहीं है. तो ये इस तरीके की खबरें अगर चीन से आती हैं तो डेफिनेटली उसको यकीन करने के लिए बहुत ज़्यादा जो चीन को लेकर एक्सपर्टीज रखते हैं उनसे बात करने की ज़रूरत है, जो चीन में है एक्चुअली में, उनसे बात करने की ज़रूरत है. चीन का एक ही जो ग्लोबल टाइम्स
जो उनका मीडिया हाउस है वो क्या खबर दिखाता है वो डिपेंड करता है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर, वो चीन का सरकारी मीडिया है, चीन का जो एक्चुअल व्यू है वो नहीं रखता है। तो आप समझ जाएं किस तरीके के कि वहाँ पे डेमोक्रेसी और किस तरीके के हालात हैं। अब अगर ये खबर सच होती है तो डेफिनेटली ये खबर बहुत बड़ी खबर है। कुल मिला के आप समझ जाएँ कि जो चीनी राष्ट्रपति हैं, ऐसा माना जाता था कि वो दुनिया के सबसे पावरफुल नेताओं में से एक हैं, और अगर उनको ही हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी क्या व्यू रखती है इन फ्यूचर, अब समझ में नहीं आ रहा है। चीन का अमेरिका के साथ एक अलग पंगा है, ताइवान का एक अलग इशू है, भारत के साथ तो आपको पता है चीन का क्या सीन है। भारत के प्रेस भी, भारत का जो अभी SCO समिट में भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चीनी राष्ट्रपति के साथ कोई मुलाकात भी नहीं की, और बहुत सारे भारत के साथ पंगे हैं चीन के, डिसएंगेजमेंट भी हुआ लद्दाख में, हालांकि इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। बट जो प्रॉब्लम आ रही है चीन में, अगर ये होती है तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। चीनी राष्ट्रपति को अगर हाउस अरेस्ट किया जाता है, हाउस अरेस्ट होते हैं वो या उन्हें नज़रबंद किया जाता है, तो ये बहुत बड़ी खबर है, और इसका खुलासा कुछ दिन में तो हो ही जाएगा। ऐसा है नहीं कि ये खबर दुनिया से छुपाई जा सके। देखते हैं आने वाले समय में कितने समय में ये खबर दुनिया के सामने आती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये वीडियो देखने का प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब